अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर किया करें। मेहंदी कोर्स करने के लिए आपको बेसिक शेप्स का आना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको 12 डिफरेंट शेप्स बताऊंगी। आपने एक शेप की भी तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आप इसको परफेक्टली ना बना लें। इस फ्लावर को मैं एस शेप वाले फ्लावर की तरह बना रही हूँ। आप देखिए मैं किस तरीके से एस ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ़्लावर को कम्प्लीट कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से बनाना है और 4 पेटल्स कम्प्लीट करने हैं। इस शेप की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसको सही तरीके से बना लेंगे तो फिर आगे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इस फ्लावर में हम जॉइनिंग करके पेटल्स को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इजी वे बता रही हूँ कि आप इजी तरीके से किस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, अगर आपने इसको सीख लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ब्लैंक ब्लैंक फ्लावर्स क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बेसिक शेप्स ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि इन्हीं शेप्स में आप शेडिंग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि बेसिकली शेडिंग ही है जो कि फ्लावर्स की खूबसूरती को उभारती है। आपने पहले इन सब शेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं कल इंशाल्लाह शेडिंग की वीडियो अपलोड कर दूंगी। आपने सारे शेप को एक पेपर में ड्रॉ करके एज इट इज़ रख देना है। कल जब शेडिंग की वीडियो आएगी उसके बाद आपने इसी पेपर पे शेडिंग को कंटिन्यू करना है। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है मैजिकल टिप्स के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आप जो भी ड्रॉ करेंगे आपने होमवर्क मुझे चेक करवाना है, फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है या फिर आपको किस चीज़ में ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप वाकई मेहंदी कोर्स सीखना चाहते हैं तो आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि आपने एक शेप की भी एक शेप की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बिला शक आपको 4 बार बनाना पड़े, भले आपको 5 दफ़ा बनाना पड़े, जब तक आपको प्रॉपरली नहीं आ जाता आपने इसकी प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने कितने अच्छे तरीके से शेप्स ड्रॉ कर लिए हैं। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती जब तक आप उसको मुश्किल ना समझें। हर चीज़ को आसान समझा करें, प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस इंसान को ज़्यादा बेहतर बनाती है। अब इस शेप में हम अलग अलग पेटल्स ड्रॉ करेंगे। अब हम थोड़ा अलग तरह का शेप ड्रॉ करने लगे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन पेटल्स को हमें नीचे की तरफ लेके जाना है। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, ये देखें कितना स्मूथ तरीके से ये बन रहा है और बहुत ही पतले पतले पेटल्स आपने बनाने हैं। आपने बहुत ज़्यादा मोटे पेटल्स नहीं बनाने। इस शेप में हम लीफ शेप बनाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत है, आपने बहुत ध्यान से इसको बनाना है और बहुत ही प्रैक्टिस से ये आएगा। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसी तरह का फ्लावर ड्रॉ कर सकें परफेक्टली। इस शेप में हमने लाइंस को ड्रॉ नहीं करना है, हम पेटल्स की शेप ड्रॉ करेंगे अपने अंदाजे से।
कोई भी चीज़ या कोई भी कोर्स जब हम सीखना चाहते हैं तो हमें कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं आ जाती, हर चीज़ प्रैक्टिस करने से आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। आपने इन सब शेप्स की रेगुलर बेसिस पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ये सब आपको ईजीली आ जाएंगे। बहुत ईजी शेप है, बस इसमें फ़र्क ये है कि आपने सर्कल को टच नहीं करना। पहले हम 6 पेटल्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके ऊपर बगैर टच किए पेटल्स ड्रॉ करेंगे। माशाल्लाह हमारे 12 बेसिक शेप्स ऑफ फ्लावर्स तैयार हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इन शेप्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा, कल इंशाल्लाह शेडिंग की वीडियो आ जाएगी, उसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसी पेज को आपने संभाल के रखना है और फिर इसके साथ हम शेडिंग कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।